हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फ्रेंड्स काफ़ी दिनों बाद अपने कुकिंग चैनल पे जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है ना, गार्डनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और इस टाइम मैं बाहर भी गई हुई थी फैमिली ट्रिप पे। तो मैं आज आपके साथ में देखिए ये ब्यूटीफुल से केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि इसको हमने कैसे डेकोरेट करना है बिना किसी जो टूल जो होते हैं उनके बिना हमने ये केक बनाया है और बहुत ही खूबसूरत ये डेकोरेशन है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक स्पॉन्ज तैयार किया है केक जेल के साथ में, जो अपना प्रीमिक्स मैंने आपके साथ में शेयर किया है उसी में केक जेल यूज़ करते हुए मैंने ये वनीला प्रीमिक्स बनाया है वनीला प्रीमिक्स से। तो देखिए अब हम इसमें कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सुगरी वाटर से सोक कर रहे हैं और मैं इस तरह से स्प्रे बॉटल में इस बार करके दिखा रही हूँ। ये प्रोफेशनली लुक इस तरीके से आ जाता है जब आप स्प्रे बॉटल से करते हैं। तो इवनली सारी जगह पे हमने कोट कर दिया, उसके बाद में व्हिपिंग क्रीम लगा रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड जो पेंटिंग वाला केक, इसको बोलते हैं पेंटिंग केक, तो पेंटिंग केक जो बनता है वो तो बनता है एयर ब्रश से और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो उसी का ये एक सब्स्टिट्यूट है कि हम इसको कैसे बिना एयर ब्रश को यूज़ किए हुए हम कैसे अपने केक को पेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी जो आइसिंग करने वाली कीप नहीं है तब भी आप ये जो है बिल्कुल आसानी से ये केक अपने घर पर बना सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग आती है तब तो आप बहुत ही अच्छा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सिंपल सा आपको दिखाया है, आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है जो डोम शेप का ऊपर थोड़ा सा केक हो जाता है इसको मैंने मिडल में रखा है। मैं इसको पाइनएप्पल फ्लेवर देख रही हूँ इसलिए पाइनएप्पल क्रस्ट डाला है। सेम यही प्रोसेस करते हुए हमने अपने केक को बिल्कुल अच्छे से आइसिंग कर ली है, क्योंकि मैं वो दिखाती तो बहुत ज़्यादा केक जो है हमारी रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अपने कलर्स लिए हैं और इस तरीके के फ्लैट ब्रश लिया है बिल्कुल लाइट हैंड से। आपको ऐसा इस पर वर्क करना है ना कि बिल्कुल आपको जो क्रीम है वो आपकी निकले नहीं। तो देखिए एकदम लाइट हैंड से आपको इस पर टैप करना है, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो ऑरेंज और रेड लिया है। बस एक बात का ध्यान रखें, केक जब आपने इसको फाइनल कोटिंग कर ली है तो आप इसको रखें नहीं। अगर आप इसको रख देंगे, सोचेंगे आधे घंटे बाद मैं ये जो मैं अभी काम कर रही हूँ आधे घंटे बाद करूँ, तो फिर ये आपका जो क्रीम है ना वो सेट हो जाएगा। और अगर तब आपने जो अपना ब्रश है वो लगाया क्रीम पे तो क्रीम भी आपकी साथ में निकलेगी। इसलिए साथ के साथ ही जैसे आपने अपने केक को फिनिशिंग टच दिया उसी के साथ में ही आपको ये भी काम करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने सारे जो कलर थे तीनों वो हमने लगा दिए। इस स्कैपर की मदद से हम इसको कलर देंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सनसेट वाला कलर आ जाएगा, कहीं रेड कहीं येलो कहीं ऑरेंज। तो बिल्कुल ये केक ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको कीप वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, केक तो आप सभी बनाते हैं। तो इस तरीके से आइसिंग करके देखिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये केक मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है, क्योंकि पहले जो बनाया था वो जो केक बनाया था वो बहुत ही इजी और सब लोग बनाते हैं, ये थोड़ा अलग केक है बिल्कुल, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। तो अब देखिए मैंने जो थीम आपको दिखाई है उसी से थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉ कर लिया है, रफली ड्रॉ किया है एक टूथ पिक की मदद से। तो अब देखिए हमको ना केक को तैयार करना है पेंटिंग करने के लिए, इसके लिए हमको लेना है न्यूट्रल जेल और इसमें मैंने 2 चम्मच पानी मिलाते हुए देखिए इस तरीके से इसको फेंट लिया है। बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, पोरिंग कंसिस्टेंसी। तो अब अपने ब्रश से, फ्लैट ब्रश से आप इस तरीके से देखिए लाइट हैंड से आप इसको लगाएंगे, बिल्कुल अपने पूरे केक को एक तरीके से आप अपने कागज़ बना लीजिए अपने केक के ऊपर सरफेस को। ये जेल हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम टैप करेंगे क्रीम डायरेक्ट रहेगी तो साइन भी इतना नहीं आएगा। केक जेल लगा देने से काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर जो न्यूट्रल जेल है ये काफ़ी शाइनी भी करेगा और हमको एक बेस मिल जाएगा पेंटिंग करने के लिए। तो सारे में मैंने लगा दिया है न्यूट्रल जेल जो देखिए काफ़ी ग्लॉसी लग रहा है। तो अब हमारा काम शुरू होता है इनको पेंटिंग करना। तो पेंटिंग करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वाटर कलर यूज़ करना है, मतलब जो लिक्विड कलर होता है वो यूज़ करना है। जेल कलर से आपका ये जो है केक नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको जो लिक्विड कलर आते हैं वही यूज़ करना है। तो देखिए अब इसका प्रोसेस क्या है, ऐसे आप फ्लैट ब्रश लेंगे और टैप करते हुए देखिए लाइट हैंड से बिल्कुल आपको टच करना है, क्रीम आपकी टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जेल तक ही आप अपने पेंटिंग ब्रश को रखेंगे और इस तरीके से टैप करते हुए अपने जितने भी एरिया आपने बनाए हैं उसको फिल कर लीजिए। अच्छा होगा कि पहले आप आउटलाइनिंग कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन सा कलर फिल करना है।
तो देखिए इस तरीके से हम आउटलाइनिंग करते हुए इसको बना रहे हैं। बिल्कुल लाइट हैंड से रखिए हाथ को बिल्कुल एक। और फ्रेंड्स ये केक बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। वैसे तो आइसिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट जो भी डिज़ाइन होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, पर ये केक बनाने में मुझे एटलीस्ट 25 मिनट से 30 मिनट आप मान सकते हैं लगा, क्योंकि काफ़ी टैप करते हुए हमको इसको बनाना होता है। और मैंने कुछ आपको कट एंड कट करके भी दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, और कुछ फास्ट फॉरवर्ड भी किया है। तो ये देखिए हमारा जो घास वाला एरिया था वो हमने ग्रीन कलर से कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम अलग अलग कलर यूज़ करते हुए अपने इस कैनवास को बिल्कुल भरेंगे। जैसे हम पेंटिंग कलर से अपने कैनवास को भरते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम फूड कलर से अपने इस केक को भरेंगे। तो नेक्स्ट कलर यूज़ करने से पहले आप अपने ब्रश को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिए, कोई कलर बिल्कुल यहाँ पर टच ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई कलर ऐसा यूज़ कर लिया तो वो बिल्कुल हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये कागज़ नहीं है कि आप उसको हटा दीजिए, जो बन गया तो बन गया। तो ये देखिए इस तरीके से हमने येलो कलर यूज़ करना है। ये मैं पाथे एरिया बना रही हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊँगी।
लीजिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा ऑलमोस्ट केक जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ी सी डिटेलिंग करनी बाकी थी, बिल्कुल घास वास की, वो भी हमारा तैयार हो गया। तो लीजिए हमारा पेंटिंग वाला केक तैयार है। अब आप इसको अपने बर्थडे पे बनाइए, एनिवर्सरी पे बनाइए, कभी भी बनाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है।